कोटा पुलिस की मानव तस्करी रोधी यूनिट ने ट्रैफिक सिग्नल पर पेन बेच रहे छोटे छोटे पांच बच्चों को रेस्क्यू किया है। पांचों बच्चों की उम्र 5 से 8 साल के बीच है और ये सभी जान जोखिम में डालकर ट्रैफिक सिग्नल पर पेन बेचने का कार्य करते हैं। मानव तस्कर रोधी यूनिट की चंचल यादव ने बताया कि राजस्थान पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर गुमशुदा बालकों की तलाश और बाल श्रम रोकथाम के लिए ऑपरेशन आशा चलाया जा रहा है। इसी के तहत कोटड़ी चौराहे पर पांच बच्चों को गाड़ियों के बीच जान जोखिम में डालकर पेन बेचते पांच बच्चों को रेस्क्यू किया गया। पांचों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से शेल्टर होम भिजवा दिया गया है। डीजी साहब राजस्थान जयपुर द्वारा पूरे राज्य में ऑपरेशन आशा संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत गुमशुदा बालकों की तलाश बाल श्रम रोकथाम हेतु ये अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत हम आज कोटरी चौराहे पर आए, जहां पर चार पांच बालक बहुत छोटे छोटे थे, 8-9 साल के, 5-6 साल के, पेन बेचते हैं ये लोग। जो गाड़ियाँ जो आती है, जो रुकती है, तो कभी कभी तो बहुत दुर्घटना हो जाती है इससे। कभी कभी बालक को कोई एक्सीडेंट हो जाता है इससे। तो ये पांचों बालक पेन बेच रहे थे, गाड़ियों पे लटक रहे थे, जिसको हमारे रेस्क्यू टीम मानव तस्करी विरोधी यूनिट की टीम ने रेस्क्यू किया। पांचों बालक को बाल श्रम से मुक्त करा के CWC के पेश किया, जहाँ पर उनको शेल्टर किया गया है।